एंड मास M1 हैंग वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। अब देखो एक रोप है जिसके पास मास है, अब मैं यहाँ मास इग्नोर नहीं कर सकता उस रोप को, ये रोप है जिसके पास मास कुछ दिया हुआ है M1, समझना इसको, और इसकी लेंथ है रोप की L है। हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड ए ब्लॉक M2 अटैच टू द फ्री एंड, यहाँ पर मैं एक ब्लॉक M2 अटैच कर देता हूँ, ये आ गया मेरा ब्लॉक M2, बराबर है। चलो अब कहता है कि ट्रांसवर्सल वेव λ1 इज प्रोड्यूस एट द लोअर एंड ऑफ द रोप, यहाँ पर जो लोअर एंड है उस पर मैंने एक इस स्ट्रिंग में एक पल्स जनरेट कर दिया, एक ट्रांसवर्सल वेव पल्स जनरेट कर दिया जिसकी वेव लेंथ λ1 है, बराबर है। The wavelength of the pulse when it reach the top of the rope is λ2. अब ये जो पल्स यहाँ पर जनरेट हुआ था wavelength λ1 का, यहाँ पर इसकी wavelength टॉप पे λ2 हो जाएगी, तो हमें फाइनली λ2 और λ1 का रेशियो निकालना है। क्या λ2 और λ1 आपस में बराबर होंगे, देख लेते हैं बराबर हैं कि नहीं है। अब ये बात हमें कैसे पता चलेगा, अब ये जो टॉपिक है वो स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्सल वेव इन ए रोप, आप पढ़े होंगे स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्सल वेव इन ए रेट टी अपॉन म्यू के इक्वल होता है टी टेंशन इन द स्ट्रिंग और म्यू मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ जो कि एक कांस्टेंट है, और टेंशन इन द रोप, यहाँ से जब यहाँ जाओगे तो हर पॉइंट पर टेंशन वेरिएबल है बिकॉज जो रोप है उसके पास मास है, सबसे ज्यादा टेंशन यहां होगा, सबसे कम टेंशन यहां होगा, बराबर है। चलो तो यहां से अब हर पॉइंट पे टेंशन अलग है, हर पॉइंट पे स्पीड अलग है, तो हर पॉइंट पे अगर स्पीड अलग है तो हर पॉइंट पे वेवलेंथ अलग है, तो यहां वेवलेंथ λ1 है, यहां वेवलेंथ λ1 है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ, एक बार हमने यहां पर वेव जनरेट कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी पर उसकी स्पीड अलग अलग है, तो वेव लेंथ अलग अलग है हर पॉइंट का, क्योंकि हर पॉइंट की स्पीड अलग अलग है, हर पॉइंट का टेंशन अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन एंड प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये हमें रिलेशन मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि λ2 अपन λ1 की जो वैल्यू आ जाएगी λ2 अपन λ1 दैट इज T2 अपन T1 अंडर रूट, भाई ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, अब कुछ नहीं करना, टेंशन उस पॉइंट का रख दो जिस पॉइंट का लैम्डा चाहिए। तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा ये देखो, जस्ट इस एंड पर, रोप के इस एंड पर यहाँ पर, तो यहाँ पर टेंशन वो बेसिकली हमें λ2 चाहिए, तो यहाँ पर λ1 है, तो यहाँ पर टेंशन इस एवेट M2 के इक्वल होगा। अरे भाई अब पढ़े, यहाँ पे टेंशन T1 यहाँ पे टेंशन वो आ जाएगा M2G के इक्वल होगा, बिकॉज यहाँ की जो इस पॉइंट की स्ट्रिंग है वो सिर्फ M2 को सपोर्ट कर रही है ना, और हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पर जो टेंशन होगा T2 वो इस पूरे वेट को सपोर्ट कर रहा है, ये पूरा वेट, तो ये पूरा वेट कितना हुआ M1 प्लस M2G दैट इज द T2, तो ये हमें टेंशन मिल गया। आप इसका मतलब ये हुआ कि M1 प्लस M2 टेंशन T2G और डिवाइडेड बाई M2G अंडर रूट, तो ये G ने G को ख़त्म कर दिया, तो M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M2 अंडर रूट, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन दैट इज λ2, डी ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।